तो आज के इस वीडियो में बताने वाले, देखिए इंडक्शन है मेरा, इंडक्शन में लाइट तो आ रहा है, जैसे यहाँ से स्विच ऑन किए इंडक्शन में लाइट आ गया, बट यहाँ से बटन नहीं काम कर रहा है। तो बटन काम नहीं कर रहा तो ये कारण क्या हो सकता है? इसके अंदर पानी नहीं गया होगा या दूध दूध गया होगा, जो भी गया होगा। चलिए इसको खोल के हम सर्विस करते हैं, ये काम करता है कि नहीं देखते हैं। क्या है कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कभी भी हम लोग इंडक्शन लेते हैं इस टाइप का जो बटन वाला होता है ओपन रहता है, पानी घुसने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पानी की समस्या आता है। चलिए इसको खोल के हम सर्विस करते हैं। तो चारों नट को हमने खोल लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। ये डिस्प्ले है, देखिए इसके अंदर पानी घुसा हुआ है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम पानी घुसने से ये आता है, तो इसको हम प्रॉपर, चलिए फटाफट इस डिस्प्ले को खोल लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या ज़्यादा अंदर घुस। तो देखिए डिस्प्ले में पानी घुसा हुआ है, यानी कि दूध जो चाय गिरा हुआ है ना उसी के अंदर घुसा हुआ है। क्या पता नहीं, तो इसको आधे से 1 घंटा के लिए धूप में रख दीजिएगा, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो क्या करना होगा, इसको लास्ट में डिस्प्ले कम्प्लीटली चेंज करना होगा। काहे कि कभी कभी क्या होता है, आईसी ब्रन हो जाता है, आईसी खराब होने के कारण भी ये समस्या आता है। डिस्प्ले में लाइट आएगा लेकिन बटन नहीं काम करेगा, बटन रिप्लेस करने के बाद भी। तो आप लोग कहिएगा कि इसे बटन रिप्लेस करके देखिए, तो बटन रिप्लेस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बटन इसका जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर इनकेस कभी ऐसा अगर आपको डाउट लगे, मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए सारे बटन को, जो ख़राब लग रहा है उसको चेंज कर लीजिए। फिर भी अगर ओके हो गया तो ठीक है, ना तो ब्लास्ट में इसको चेंज ही करना पड़ता है कम्प्लीटली डिस्प्ले को। चलिए इसको हम थोड़ा सा धूप में रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए, अगर ये प्रॉपर सूखता है कि नहीं, सो मतलब ओपन करके फिर हम आपको चालू करके दिखाते हैं। कम्प्लीटली ये फाइनली ओके हो गया, तो चलिए हम इस चलिए फाइनली अब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो कम्प्लीटली मेरा ओके हो चुका है, तो ओके हम कैसे, तो इस स्विच को हमने रिप्लेस भी किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी घुसा हुआ था, तो ये काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके समय इसको भी हमको रिप्लेस करना पड़ा है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्विच लगाए हैं, तो देखिए मेरा एक काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ओके हो जाएगा। अगर ऐसे ज़्यादातर आप सूखने के लिए रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे धूप में, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन इसे बार बार का परेशानी ये रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करना है वीडियो को लास्ट में देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से हम बताते हैं आपको। हमको टेप से अच्छा से कवर कर देना ताकि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, नहीं तो ये समस्या कंटिन्यू रहेगा। सुखाइएगा फिर सही हो जाएगा, फिर उसके बाद सेम प्रॉब्लम रहेगा। जैसे हम लाइन दिए, ये मेरा ओके है, अब काम करेंगे, यूज करेंगे, काम करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए।